Welcome to the first class of our preach. As Dr. Vats has introduced you, about preach, this world, this universe is evolving itself on the base of certain laws, and the basic laws on which this world is based is law of attraction and law of contrast. I am starting my words from the birth of preach. Hanuman Sahib has given birth to this beautiful science, homeopathy, by certain reason. Here I am not equating ourselves with Hanuman for the birth of preach, but I am making you understand how things are taking birth from within. ये life अपने में से ही कैसे पैदा हो रही, इसलिए बता रहा हूं. तो first is self, कुछ लेना day to day practice में हम देख रहे हैं इसको, and इसलिए मैंने बात यहीं से शुरू किया कि law of attraction is के like-minded peoples become together. Right? And law of contrast is why homeopathy has taken birth, why things are taking birth in this universe, kyon janm ho raha hai kisi cheez ka, and without purpose nothing is there. Hamara bhi janm kisi wajah se hua. So first of all, main aap sabka welcome karta hu is organization mein, इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और फिर लॉ ऑफ कंट्रास्ट से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम शुरू हुए इस सफर में. वी वॉज इन द फील्ड फ्रॉम लास्ट, आई कैन से फ्रॉम 18-19 ईयर्स. 93 से हम लोग जुड़े, मैं, मेरे भाई कमल. वी वॉज वर्किंग बिकॉज वी हैव जस्ट अ थॉट, ओनली अ थॉट कि हमें होमपैथी ने बनाया, हमें होमपैथी ने बनाया और हमने होमपैथी के लिए करना. दैट इज द ओनली मोटो टुडे, एंड दैट वाज ओनली एट दैट डे. तो कंट्रास्ट इज कि जब इलाज सही नहीं हो रहा था, एलोपैथिक सिस्टम या कोई भी सिस्टम एट द टाइम ऑफ हैनीमैन 250-60 years back सही नहीं था, तो हैनीमैन की सोल को जन्म लेना पड़ा होमपैथी के लिए. ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है. ये ब्रह्मांड का जन्म यहीं से होता है. ये ब्रह्मांड जब से पैदा हुआ, इट इज इवॉल्विंग एंड इट इज एक्सपेंडिंग एंड एक्सपेंडिंग एंड एक्सपेंडिंग एंड एक्सपेंडिंग by birth and rebirth, by death and rebirth, by death and rebirth, and that is due to certain purpose we are taking birth, and with purpose we are dying, with purpose we are taking birth, and with purpose we are dying. So homeopathy has taken birth to give this universe something better than what was. So hum jante hain ki kya hamare paas behtar hai. To preach world ne yahi se kuch janm liya, kuch contrast bana कि हमें ये चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम ऐसे हो गए. दे आर ऑल्सो ब्लेस्ड एट देयर प्लेस, वी आर ऑल्सो डूइंग अवर वर्क ऑन अवर प्लेस. सो इस वजह से हम लोग
इकट्ठे हैं आज एंड डॉक्टर वत्स ने बहुत अच्छे से निकाला ये सब मैटर, आपको बताया कि कैसे कैसे क्या कर रहे हैं हम। तो मैं इसकी रूट से शुरू करूं। पैसिफिक मींस शांत। पैसिफिक मींस सुना होगा, पैसिफिक ओशन सुना होगा ना, बट पैसिफिक इज अ जनरल वर्ड, शांत, पीसफुल। पीसफुल क्या है? इस यूनिवर्स में बहुत कुछ पीसफुल हो सकता है, लेकिन मैं पानी से ही शुरू करूंगा। पानी कब शांत है और कब अशांत है? कब शांत है? जब रूटेड है, जब अपने सोर्स के साथ, जहां से पानी पैदा हो रहा है उसके साथ रूटेड है, तब शांत है। तो वी हैड टेकन बर्थ फ्रॉम दिस पीस, फॉर द एवोल्यूशन ऑफ आवर साइंस। वी आर डेस्टिन्ड फॉर माय कोलीग्स, माय फ्रेंड्स, मेरे साथी लोग, वी आर डेस्टिन्ड फॉर राइट होम्योपैथी। दैट्स वाई हम सर के पास गए, दैट्स वाई हम विजयकर सर के पास गए, हमारी सोल उधर लेके गई हमें। दैट्स वाई आप लोग इधर हैं, क्योंकि आपको भी इवॉल्व होना है इन सोल्स के साथ। तो मैं चलूँ यहाँ से आगे। जब हम एंटर हुए यहाँ पे तो बहुत अच्छी कॉफ़ी एक चल रही थी साई बुल्ले शाह की, और उसने इमोशंस को बहुत टर्मोइल दिया। मक्के गया गल मुकदी नहीं, भावे सौ सौ जुमे पढ़ाइए। गंगा गया गल मुकदी नहीं, भावे सौ सौ गोते लाइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी, जे मैनू मनो गवाइए। मैनू मनो गवाइए, पर चांस ऐसा था नहीं, हम सोच के ऐसा होने वाला कुछ। मेरा जो आज का लेक्चर है वो है भी कुछ यहीं पे, कि हम पैदा कैसे हुए थे, हम मैं कैसे हो गए, और मैं से हम डिजीज कैसे हो गए, और डिजीज से हम डिल्यूसिव कैसे हो गए, डिजीज प्रोग्रेस कैसे करने लगी। तो बहुत कुछ पुराने बच्चों ने सुन रखा होगा, लेकिन शायद जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना उनके लिए नया भी होगा इसमें। तो उससे चलने से पहले हम चल रहे हैं हैनीमैन साहब के पास एक बार उनका प्यार लेने। सबसे पहले इस सोल को, इस रूह को बहुत बहुत नमस्कार है मेरा आप सबका, जिसके जन्मदिन के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए। आगे बढ़ते हैं। एफोरिज्म नंबर 109। I was the first that opened up this path. Which I have pursued with a perseverance that could only arise and be kept up by a perfect conviction of the great truth. Perfect conviction of great truth fought with such blessings to humanity that it is only by the homeopathic employment of medicine that the certain cure, certain, read kiya maine, certain, hit and trial to ho sakta hai. These words are to feel empowered by our science, by knowledge of our science. Phir is science ko rightly apply karna hai. Then we will be like Hahnemann. He is very certain, very confident that this is our only science that can offer certain cures of human maladies is possible. I was the first that opened up. Hahnemann साहब को ये बात समझ में आई, आज भी नहीं आई material mind को, नहीं आएगी आज भी नहीं आई दूसरी किसी science को, नहीं आएगी, क्योंकि Hahnemann जैसा होना पड़ेगा उसके लिए, Hahnemann की soul जैसा होना पड़ेगा उसके लिए। Next. विजयकर सर, बड़े सर बोलते हैं हम अक्सर उनको, कि विद सर्टन पर्पज वी हैव टेकन बर्थ, विद सर्टन पर्पज यू हैव टेकन बर्थ, एंड विद सर्टन पर्पज वी पीपल कलेक्टिवली गॉट अटैच टू दिस सोल, एंड इस सोल ने हमें ऊंचा उठाया अपने ज्ञान के साथ, अपने प्यार के साथ,
बहुत थैंक्स है इनका, बहुत बहुत थैंक्स है सर का. दिस वाइज सोल हैड मेड इजी अवर पाथ टू वॉक ऑन द रोड्स ग्रेट हैनीमैन हैड बिल्ड फॉर अस टू हील द सफरिंग. तो बहुत बहुत डिवोशन है हमारा, प्यार है सर के लिए और उनकी ब्लेसिंग्स है हमारे साथ. नेक्स्ट. टू फील वाइज, टू फील वर्दी, व्हाट दीज ग्रेट पर्सन्स आर सेइंग अबाउट नो इंडिविजुअल हैज डन मोर गुड देन मेडिकल प्रोफेशन देन सैमुअल हैनीमैन द फादर ऑफ होम्योपैथी, सर विलियम ओस्लर द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. नेक्स्ट. वाइल होम्योपैथी इटसेल्फ इज ए परफेक्ट साइंस, इट्स ट्रुथ इज ओनली पार्शली नोन. द ट्रुथ इटसेल्फ रिलेट टू डिवाइन. गुरबानी कह रही है आद सच जुगाद सच, सत्य ही रहता है, सत्य ही डिवाइन है. और ये जितनी भी सोल्स हैं, माइंड इट, जितनी भी सोल्स हैं, ये कैंग साहब है, हैनीमैन साहब है, मैं पढ़ रहा हूँ इनको, मैं देख रहा हूँ, दे आर वेरी गॉडी, दे आर वेरी प्योर सोल्स, जो कहते हैं दे आर वेरी डिवाइन सोल्स. अगर हम हैं सभी डिवाइन, हम सभी डिवाइन हैं, लेकिन हम कहीं डिस्टर्ब हो गए, वो हम आज देखेंगे कैसे डिस्टर्ब होते हैं. हम सभी डिवाइन हैं. तो द ट्रुथ इटसेल्फ रिलेट टू द डिवाइन, द नॉलेज रिलेट टू द मैन. सत्य है, डिवाइन के पास है. अगर सत्य पे हम चलने लगे तो हम डिवाइन होने लगे. नेक्स्ट. द मेकिंग ऑफ द मैन रेफर टू कैंट्स लेस राइटिंग्स. खुला पे कारा. मेकिंग ऑफ द मैन, ब्यूटीफुल वर्ड्स दैट हैड अपील्ड मी, दैट हैड शेकन मी लाइक, जिदा असी हिल जाने हैं. और ये वर्ड्स डॉक्टर पीयूष ने डाले हैं हैनीमैन बर्थडे के दिन. पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ के. द ट्रुथ फर्स्ट एंटर्स द माइंड. हमने ट्रुथ की बात किया मिलन. द ट्रुथ फर्स्ट एंटर द माइंड द वे ऑफ द मेमोरी. कैसे कैसे बात अपील हुई, ये फाइव सेंसेस ने डाटा एकत्र किया, आपकी हार्ड डिस्क को दिया, उसमें पहले का स्टोर पड़ा है, बचपन से जो हम लेके आए वो पड़ा है और हमने डाला इसमें. देयर इज देयर इट इंस्पेक्टेड बाय द अंडरस्टैंडिंग. आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वहां पे उस ट्रुथ की जांच हुई. राइट एंड लेफ्ट ब्रेन ने खंगाला उसको. एंड इट इज सेटल्ड अपॉन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स और डिटरमेंटियल. सेटल हो गया कि क्या है, बैठ गया कि क्या है. इफ इट इज अप्रूव्ड द अंडरस्टैंडिंग एडमिट्स इट टू द मिडल चैम्बर. आगे गया, व्हाट इज मिडल चैम्बर. दे पीपल आर सो वाइज. फर्स्ट ब्रेन, मिडल ब्रेन एंड लोअर ब्रेन. मिडल ब्रेन इमोशनल ब्रेन. कोई भी थॉट आपका तब तक स्ट्रांग नहीं है जब तक उसको इमोशंस का तड़का नहीं लगेगा. थॉट सिर्फ थॉट है, जब तक वो थॉट को इमोशन नहीं लगेंगे तब तक वो थॉट गहरा नहीं हो सकता. ये ट्रुथ मिडल चैम्बर में गया एनालिसिस के बाद. मिडल चैम्बर वेयर इट इज ट्रेजर्ड फॉर यूज. व्हेन होम्योपैथिक ट्रुथ इज दस एडमिटेड द हीलिंग आर्टिस्ट वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कंफर्म इट. हमने वेट किया कि कब कंफर्म करेंगे ये जो मैंने जाना, ये ज्ञान जो मैंने लिया, कैसे कंफर्म होगा ये ज्ञान. फाइनली द पेशेंट कम्स एंड द ट्रुथ इज कॉल्ड फोर्थ. द लॉ एंड डॉक्ट्राइन देयर ट्रेजर्ड आर कॉल्ड अपॉन यूज्ड एंड कंफर्म टू बी ट्रू. द पेशेंट रिकवर एंड इज ग्रेटफुल टू द डॉक्टर. ये हमारा काम हो गया. हमने जब राइटली प्रिस्क्राइब किया तो पेशेंट खुश, उसने बोला थैंक यू. द डॉक्टर इज डिलाइटेड एंड स्माइल्स.
he shows forth upon the face his innermost feeling. A tear comes in his eyes and he says, blessed be Hanuman. जब आप सत्य पे के ऊपर चलते इलाज करते हैं, this is the exact feeling Kant is giving us. Blessed be Hanumanian, blessed be Lord. Then it is that truth passes through the understanding into the voluntary, into the affection, and is revealed upon contents. Now truth is made alive and can be maintained alive so long as a doctor continue to use it. It now fills his life. He loves it, knows it, and remember it. If he does not love it and use it, he does not grow in wisdom. अगर आप ट्रुथ को संभाल के रखा हुआ है, मैंने ट्रुथ लिखा है 250 साल पहले, अगर आपने उसको वाइजली यूज नहीं किया तो फिर वो आप विजडम में नहीं जा पाए, तो फिर सिर्फ आप रटन में रह गए, पराठा की तरह रटते रह गए, चोरी करना पाप है. बट बाय लविंग इट ही लव्स टू यूज इट एंड देयर बाय लर्न मोर फॉर इट. द मोर ही लव्स इट द बेटर ही knows it. जितना हम इसको यूज करते जाएंगे आप उतना इसमें और वाइज और आनंदित और रिलैक्स स्टेट में इवॉल्व होते जाएंगे. तो दीज वर्ड्स आर ऑफ ग्रेट हैनुमान. बैक टू स्लाइड. अगली पहले भी देखा होगा हैनुमान के लिए, हैनुमान साहब के लिए होम्योपैथी के लिए ऐसे वर्ड्स, होम्योपैथी क्योर्स ए लार्ज परसेंटेज ऑफ केसेस देन एनी अदर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड इज बियॉन्ड ऑल डाउट सेफर मोर इकोनॉमिकल एंड मोर मोस्ट कंप्लीट मेडिकल साइंस. एवरी वाइज पर्सन, मैंने देखा है धार्मिक लोगों के साथ अगर मुलाकात होती है, मोस्ट ऑफ देम रिकमेंड्स फॉर होम्योपैथी नॉट फॉर एनी अदर साइंस. जिनको मालूम है सिर्फ होम्योपैथी में भेजते हैं, क्योंकि जब इंसान डिवाइन होने लगा तो डिवाइन के पास ही जाएगा, कहीं और नहीं जाने वाला. नेक्स्ट. एन एलोपैथ कम्स एंड ट्रीट्स कॉलरा पेशेंट एंड गिव्स देम हिज मेडिसिन. द होम्योपैथ कम्स एंड गिव हिज मेडिसिन एंड क्योर परहैप्स मोर देन एलोपैथ डज बिकॉज द होम्योपैथ डज नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट बट अलाउज द नेचर टू डील विद देम. वी नो दैट, बट वेन दीज वर्ड्स आर कॉम्प्रिहेंडेड एंड very easily you can say explained by all these type of peoples, then this thing become more sure, more stronger. Chalo, back to Petla. After a short case, I will move to a more introductory and part to comprehend the life, जो मैंने बताया उस पर चलेंगे. Then after that, if time permit, I will share you two more cases of ependioma. You can say a type of brain tumor, specially related to the cells of choroid plexus. Par chance do ikatthe ho gaye to maine bola dono ko utha lete. To this is a simple case, kuch nahi hai isme itna. Jo senior practitioner hai uske liye kuch aur baatein hain, lekin jo bacche hamare saath mein unke liye ek josh hai. नेक्स्ट. ये हालत थी लिया कैसे, मैंने आते वक्त जो हमारे ओपीडी रजिस्टर होता है उसमें से उठाया इसको, याद था कि ऐसा कुछ हुआ था. फैमिली जैसे हमारे पास आती हैं, उनकी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उसके ये थाई पे चोट लगी. चोट कैसे लगी है कि वो स्कूटर पे जा रही थी और ये जो बैलगाड़ी होती है, बैल उसका खुला और उसने मारा उसको,
तो यहाँ पे हमें केस है सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। समझना ये है कि आप बैल मुझे मारे या हम, हमें बैल ने मारा, क्वेश्चन ये है हमें बैल ने मारा, बैल का कसूर है या हमारा, ये बात समझिए। बैल का कसूर है या हमारा, किसी भी एक्सीडेंट में कसूर हमारा है या दूसरे, इसी पे हमने बात करनी जाना। सो ये चोट लगी, उसकी सिलाई कर दी गई, सिलाई कर दी और ये सपुरेट हो गया, हेमेटोमा बन गया। नेक्स्ट वो हॉरिजॉन्टल है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। नेक्स्ट विद अवर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, एवरी पेन वी गेट इज बिकॉज ऑफ, हर दर्द क्यों होता है, फिलोसफिकली हर दर्द क्यों होता है, और ये दर्द बढ़ते 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 इतना बड़ा भयंकर रोग कैसे बन जाता है। ये प्रोग्राम ऑफ अवर सिस्टम टू इन्फ्लिक्ट पेन ऑन इटसेल्फ, इसलिए होता है कि हम प्रोग्राम्ड हैं कि हमें दर्द हो। दर्द किसने दिया, दूसरे ने दिया कि हमने लिया, रिसेप्टर्स आर वर्किंग और इंड्यूसर इज वर्किंग, या बोथ ऑफ थिंग्स आर वर्किंग। व्हाई आवर सिस्टम वांट्स टू गिव पेन टू इटसेल्फ, ये अपने आप को पेन क्यों देना चाहता है। इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट टू द फिजिकल बॉडी विच कुड नॉट एबल टू कोप अप विद द विद हिज रिक्वायरमेंट। पेन इज अ पनिशमेंट, पेन इज मैं बोलते ना तकलीफ हुई, तकलीफ हमने खुद को दी या किसी ने दी। एक बार हम इसको ऐसे लें, हमें तकलीफ हुई किसी भी वजह से, अभी हम चोट में जाएंगे। वेयर दिस पेन ऑकर इन अवर बॉडी गिव्स अस द क्लू टू विच एरिया ऑफ लाइफ वी आर फीलिंग गिल्टी अबाउट, कौन सा एरिया है जिसके ऊपर आपको तरस नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा कि ये मेरा है, ये किसी और का, ऐसे लगता है किसी और का, इसको तकलीफ दूं। जैसे टांगों में पेन है और हमें चलना है, जिंदगी में हमें चलना है और टांगे दर्द हो रही है, क्यों को छोड़ दो एक बार, लेकिन कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। इस स्पीड में हम जीवन के साथ चल पाएंगे, ये टांगे क्यों नहीं चलना चाहते, ऐसे ये टांगे क्यों पेनफुल है, ऐसे पेन से शुरू हुई बात, पेन से शुरू हुई बात। पेन इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, शुरू हुई बात मसल्स में गई, नर्व्स में गई, बोन्स में गई, वेन्स में गई, स्ट्रक्चरल चेंजेस में गई, डायनामिक्स से लेके स्ट्रक्चर तक का सफर हमने पेन से शुरू किया। एंड डिग्री ऑफ द फिजिकल डैमेज लेट्स अस हाउ सीवियरली वी पनिश्ड एंड हाउ लॉन्ग द सेंटेंस वाज, कितनी जोर से लगी और कितना जोर से हथौड़ा लगा होगा, ये बिल्डिंग, ये स्ट्रक्चर, ये टिश्यू इतने से नहीं टूट सकता, ऐसे कितनी चोट लगी होगी, ऐसे। नेक्स्ट, एक्सीडेंट्स आर नॉट एक्सीडेंट्स, लाइक एवरीथिंग अदर इन आवर लाइफ लाइव्स वी हैड क्रिएटेड देम, वी हैड क्रिएटेड देम। मैंने बच्चों के साथ ये बात शेयर की है, लाइक एवरीथिंग अदर इन आवर लाइव्स वी हैड क्रिएटेड देम। आई हैड अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, वन प्रीचर, आई वॉज गोइंग थ्रू द बुक, यू कैन इफ यू कैन, गेम ऑफ लाइफ, नाम मेरे को मालूम नहीं है, ऑथर कौन सा है, छोटी सी बुक है, जरूर पढ़िएगा।